पता नहीं यार, दिस इज़ रिलीज़ के बाद करते हैं बात. राइट नाउ द बस इज़ गुड, एक्सपेक्टेशंस आर हाई. अब देखेंगे, लेट्स सी इफ द फिल्म इज़ गुड इट विल वर्क, इफ नॉट. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई थिंक आई विल मिस वर्किंग विद हिम. इट्स बीन एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. वेल इफ यू आस्क मी, आई डोंट रियली थिंक देयर इज एनी, वी आर इन अ क्रिएटिव फील्ड एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेस्ट इन क्रिएटिव, इन दिस क्रिएटिव फील्ड. But there are many who deserve to be men of the year. There are many, and we should be proud that we have so many of us who are doing well. I feel good. I feel very, very good. I feel blessed. I feel like there is magic in the world. If you work hard and you believe and you have a little beliefs which are a little naive also, like the fact that I believe there's magic in the world. If you believe, things will happen. So it happened with me. So it's good. बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. हमेशा जब भी अवार्ड सीजन शुरू होता है तो इट्स ऑलवेज वंडरफुल व्हेन यू हैव समथिंग नाइस बिहाइंड यू. सो इट्स नाइस टू नो दैट पीपल थिंक दैट कबीर सिंह वाज अ वेरी रेलेवेंट फिल्म. और बहुत खुशी है कि आज जी क्यू की पार्टी पे, अवार्ड पे मैं आया हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. बड़े सारे लोग हैं यार. आई थिंक आयुष्मान एंड विकी बोथ हैव डन सच वंडरफुल वर्क एंड देव जस्ट वन द नेशनल अवार्ड. सो मेनी कंग्रेचुलेशन टू देम. एंड यू नो, सबसे अच्छी बात ये है दैट देर आर लॉट ऑफ रियली नाइस फिल्म्स कमिंग अप. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करें. सो इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ कल्चर जहाँ पे एवरीबडी इज सरप्राइजिंग ईच अदर एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग. हाय. See, if I believe in backing content, if I feel there's something that I should back and do, I'll definitely look at that, yes. जी जी ज़रूर बने. आई होप कि कुछ न्यूकमर्स के साथ बने. जैसे हम लोगों को मौका मिला था, कुछ नए लोगों को मौका मिले. डेफिनेटली वो तो ईशान और सारा और बाकी जितने भी लोग हैं जो आपको लगता है कि उस फिल्म के लिए सही है, वो तो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है. उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, नहीं लगती है, वो ऐसी फिल्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. बट डेफिनेटली शुड हैव अ रियली यंग कास्ट. इट शुड बी फुल ऑफ सम ऑफ द एग्जुबरेंट टैलेंट दैट वी हैव. सर आप ही बना लो, आपके पास पूरा आपने पका के रखा हुआ है. जी ऑफकोर्स, मेरी पहली फिल्म थी तो पहली फिल्म करने का मौका मिला, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. तो ऑफकोर्स वो दिन कभी भूलते नहीं है. एक्चुअली एक्टर बनने से पहले आपके लाइफ कैसी होती है वो दिन कभी नहीं भूलते, और कभी भूलने भी नहीं चाहिए. अगर भूल गए तो दैट मीन्स यू फॉरगॉटन योर रूट्स एंड यू फॉरगॉटन आपने कहाँ से शुरुआत की थी. एवरीबडी स्टार्ट समवेयर, यू नो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर वेयर यू स्टार्टेड बिकॉज दैट्स व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड. I don't know. When it's clear, I'll let you know. So, any football players? Me?
फुटबॉल हैं? अरे पहले क्लियर तो हो जाओ, मैं कौन सी फिल्म करने वाला था यार। जैसे ही मैं क्लियर होऊंगा कि मुझे क्या करना है, मैं जरूर बात करूंगा उसके बारे में। ये भी मैं 10 बार डिस्कस कर चुका हूँ।